الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته once again رمضان uh, بس كتش دين هوين ايه रमजान के ऊपर थोड़ी सी बात इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह तआला ने हमें ये महीना अता किया है और ये हर ये जो महीना है ना हर साल आता है हमारी ज़िंदगी में सो लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट ऑफ मंथ रमज़ान व्हाट इज़ इट्स बेनिफिट आप ये आता क्यों है और क्या वजह है कि हम लोग एक्सरसाइज़ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम लोग भूख बर्दाश्त करते हैं और यहाँ तक कि Uh, हराम को तो साइड पे अगर कर दें हलाल चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि ऑन दी यू नो ऑर्डिनरी डेज इट्स हलाल परमिसिबल पानी ले लें खाने पीने की चीज़ें ले लें अप्रोचिंग योर वाइफ दैट इज़ ऑलसो हलाल परमिसिबल लेकिन जब रमज़ान आ जाता है तो उससे आपको रोक दिया जाता है तो डेफिनेटली हमारा दीन है इस्लाम है इस्लाम एज़ वी ऑल नो हम कहते हैं सबसे भी ये कहते हैं कि इस्लाम इज़ परफेक्ट इस्लाम में जो है कोई आप ये कह लें लूप होल नहीं है कोताही नहीं है तो फिर ये क्यों इतनी प्रिकॉशन और इतनी एक्सरसाइज की वजह क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कोई अगर इन शाला आप में से कोई इनपुट देना चाहे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट एक महीना हराम बिठो वेरी गुड बहुत अच्छी बात है यानी यहाँ पे आप देखें ना थोड़ा सा इशू ये है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं ना मैं आ, आप सब से यानी ये रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा फिज़िकली यू गाइस आर हेयर ऑल ओके आप यहाँ पे फिज़िकली बैठे हैं लेकिन मेंटली भी अपने आप को ना थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट और इन ये अपने अपने बेनिफिट के लिए इन हम बैठे हैं यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात की है ब्रदर ने वो ये कहते हैं कि अगर हम इस महीने में हलाल चीज़ों से अपने आप को रोक सकते हैं तो वाई नॉट स्टॉपिंग आल्स विद दी हराम ऑल दी अदर मंथ्स हम ग्यारह महीने हम क्या उससे नहीं रुक सकते कितनी ज़बरदस्त बात है और मिसाल के तौर पर जितना मर्जी गुनागार हो ऐसा मुसलमान भी होता है कि यार वो नमाजें भी नहीं पढ़ रहा होता ऑर्डिनरी मंथ्स ठीक है लेकिन यह कि अलहमदिल्ला अल्लाह तोफीक दी तो वह नमाज भी पढ़ता है रोजे भी रखता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ़ इस महीने में ना वर्बली मुसलमान नहीं होते हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और दीन का तकाजा भी यही है दीन ये कहता है कि तुम बड़ी बड़ी आप ये कह लें कि दावे करते हो कि तुम मुसलमान हो तुम अल्लाह ताला तुम्हारे लिए महबूब तरीन शख्सियत हैं इस्लाम तुम्हारे लिए महबूब तरीन है लेकिन वो आया यानी गैर रमदान रमदान के अलावा क्या तुम्हारी वो लिप सर्विस रहती है या तुम प्रैक्टिकली करके दिखाते हो तो अमूमा देखा ही जाता है कि यहाँ यानी रमज़ान यानी रमज़ान के महीने में चाहे जितना मर्जी गुनागार बंदा हो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकली दिखाता है कि यार नहीं आई एम अ मुस्लिम और मैं प्रैक्टिकली बन के दिखा सकता हूँ क्योंकि मुसलमान कहते किसे हैं ठीक हो गया और मुझे कोई बेनिफिट्स बताएं रमज़ान के व्हाट डू यू थिंक यू नो आउट ऑफ द मैनी बेनिफिट्स लेट्स टॉक अबाउट इंशाल्लाह और क्या बेनिफिट है रमजान का ओके सबरा ठीक है व्हाट एल्स मैं वो जवाब जो है चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रमज़ान अल्लाह ताला रमजान क्यों जो है हमें माशाल्लाह, राइट अल्लाह ताला फरमाते हैं या आमनू आमनु ईमान के दावेदारो ए ईमान वालो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड यू गार्ज इज वेल जब भी आप इस चीज़ को ना पल्ले बांध लें वन एवर यू हेयर दिस यू नो दीज वर्ड्स या यादीन या आमनु खुदा के लिए कोई भी आप काम कर रहे हो ना चाहे वो कॉलेज का काम है चाहे वो आपके स्कूल का काम है चाहे वो आप जो है कोई और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल डिवाइस में एक्टिव है जो मर्जी कर रहे हैं उसको काम को रोक के सुने क्या बात कही जा रही है उसकी बजाय ये कह कौन रहा है अल्लाह आप से मुखातिब है हम अपने आप को देखें कि हमारी क्या ओकात है व्हाट इज़ आर लेवल हमारा स्टैंडर्ड क्या है वो रब जुल जलाल, जो सातों आसमान के ऊपर अल्लाह अकबर रबिल अरशिल करीम हम हकीर जैसी मखलूक से इन्हीं मुखातिब हमें कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो तो आप मुझे बताएं कितनी बुरी बात होगी बद अखलाकी होगी कि हम जो है अपने काम में मसरूफ़ रहें और कहीं अनसुनी कर दें आप मुझे बताएं अल्लाह ताला इतने अजीम हैं खालिक हैं उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसी कोई बात करें जो कि मीनिंगलेस हो जिसका कोई पर्पस ना हो हाशिल्ला अल्लाह ताला से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता तो जब हमें ये गारंटीड हमें पता है कि अभी जो बात हमें बताई जाएगी ना वो हमारे फायदे के लिए एंड देन इट मूव्स ऑन द आया सेज कुत बलई को मस्यााम कमा कुति बल्दी अमिन कबली तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं ये कोई ऑप्शन नहीं है और मैं अगर अपनी बात करूँ ना यकीन करें वन आवर्ज़ इन कॉलेज मैं रोज़े नहीं रखता था और मेरे जो मेरा जो सर्कल था ना फ्रेंड सर्कल हम लोग रोज़े नहीं रखते थे और हमारा काम ही हुआ करता था बैक इन यू ए हम लोग किया ये करते थे कि वहाँ पे यानी हम कैफ़ेज़ आउटलेट्स जो फूड आउटलेट्स हैं हम घर से बाहर निकलते थे कॉलेज से बंक मार के देखा करते थे कि यार कौन सी ऐसी फूड आउटलेट खुली है ताकि हम वहाँ जाके थोड़ा बहुत खा पी लेंगे याशी कर लेंगे और ताकि हमारा टाइम पास भी हो जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रूल ऐसे आज भी यही ऐसा रूल है कि खाने पीने की सब चीज़ें बंद कर दी जाती हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होते हैं यहाँ तक कि जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं ना हिंदूज़ हैं क्रिश्चन हैं वगैरह जो भी वहाँ पर और, और रिलीज़स माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी ये कहा जाता है कि आप जो भी आपके बॉक्स हैं लंच बॉक्सेस उनको आप अपने साथ रखा करें और प्राइवेसी में खाया करें किसी के सामने ना खाया करें यानी इतना वहाँ पे जो है इसका अहतमाम किया जाता है हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते थे एट दी एंड ऑफ द डे एक माड़ी मोटी लबन होती है लस्सी को लबन कहते हैं जो अरबिक लस्सी होती है ठीक है लबन वहाँ से ग्रोसरी स्टोर से ली और क्रोसेंट होता है वहाँ पर बड़ा आम मिलता है तो वो ले गए बोला यार फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ फिर मजबूरी से अगले दिन हम यानी रोज़ा रखा करते तो चलो यार रोज़ा रख ही लेते हैं कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा हाज़बिल्ला कोई खुशी की बात नहीं है तो यह कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए मेरे लिए ऑप्शन नहीं है दिस इज मैंडेटरी है आपके लिए कुतब अलीमकम तक ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ और हैरानगी की बात यह है अल्लाह ताला एक दफ़ा भी कोई बात कह देना हमारे लिए समझने के लिए इट्स मोर देन ए अल्लाह ताल अगर हमें पूरे कुरान मजीद में एक दफ़ा भी कह देते ना एक आयत में कि अल्लाह तला का तकवा अख्तियार करो हमारी हिदायत के लिए काफ़ी था ऐसे ही है लेकिन जब आप मुसहफ खोलते हैं कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं आपको जगह जगह में अल्लाह तला जो है आपको एड्रेस करके बता रहे हैं या याईुल्दीन अमन उत्तुल्ला अल्लाह तला का तकवा अख्तियार करो अल्लाह ताली का तकवा अख्तियार करो वाई इज़ ही रिपीटिंग हिमसेल्फ बता सकते हैं आप मुझे जरा अपना इनपुट दें वाई इज़ ही डूइंग दिस वेरी सिम्पल वेरी सिम्पल आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और योर प्रोफेसर ही इज़ ट्राइंग टू टीच यू सम ऑफ द समार्मूलाज आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं अगर तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सीख जाते हैं जो भी प्रॉब्लम थी मैथ्स की है जो भी चीज़ आप वो सीख रहे थे तो आया वो टीचर जो है प्रोफेसर उसको रिपीट करता है या आगे कंटिन्यू करता है कंटिन्यू करता है ना टीचर दोबारा इसलिए पढ़ाता रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही होती तो अल्लाह ताला बार बार जो हमें बता रहे हैं ना इसका मतलब ये कि हम हम यानी हम समझ नहीं पा रहे व्हाट इज़ तकवा ऑल टुगेदर तकवे का मतलब यह है इसको सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए ना अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना सिंपल आज दैट ओबे बिन काब ने रज़ी वो बैठे और अल्लाह रज़ील् बैठे और उमर पूछते हैं अः उबई वट यू मीन बाई तकवा जो इतनी इतनी तकरार की गई है कुरान मजीद में हमारे दीन में हमें बताया जाता है कि तकवा अख्तियार करो मतलब क्या है इसका कहते हैं अः उमर कभी आपका गुजर हुआ है ऐसे ऐसे रास्ते से जहाँ पर कांटे ही कांटे हों और वहाँ पर अब यानी झाड़ियाँ हों तो आप क्या ऐसे रास्ते से गुजरे हैं ही सर यस मैं गुजरा हूँ वहाँ पर जो तो बताते हैं वो डू यू डू हाउ did यू यू नो गो अक्रॉस दैट आप कैसे गुजरे हैं इस रास्ते से कहते हैं आई जस्ट लिफ्टेड अप माई क्लॉक मैंने अपना जो है अपने कपड़े थोड़े से ऊपर किए और मैं अपने आप को ना बचा बचा के चला तो कहते हैं दैट इज़ तकवा दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है ना ना जाने डेली की मैं बात करूंगा, हर दिन कितनी दफ़े ऐसी यानी ऐसी ओकेजन्स आती हैं कि आपको अपना दामन बचाना पड़ता है गुनाह से और बार बार आपको डिसीजन लेना पड़ता है ये एक वन ऑफ चीज़ नहीं है कि आपने एक दफ़ा डिसीजन लिया और ठीक है जी इज़ गुड टू गो नहीं आपके सामने दो हुक्म आ जाते हैं एक जगह पे अल्लाह ताला का फरमान होता है कि ऐ मेरे बंदे तू ये कर और एक जगह जो है आपका नफ्स होता है शैतान होता है वहाँ पे नाफरमानी होती है अल्लाह ताला की और आपको बार बार डिसीजन लेना पड़ता है कि अच्छा ये मैं अल्लाह ताला के फरमान को मैं लूँगा या मैं तला की ना फरमानी करके मैं इस दूसरे यानी दूसरे डिसीजन को लूँगा होता है कि नहीं ऐसा तो ये बार बार आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो दो तीन आयात आपके सामने रखता रखते होरमाते ईमान वालो अल्लाह तला का तकवा अख्तियार करो अल्लाह ताफरमानी से बचो और होना क्या चाहिए वलतन व नफ्स माकदमत लगत हर नफ्स को चाहिए कि वो देखे वो आगे क्या भेज रही है मैं मोनस में इसलिए इसकी ट्रांसलेशन करूं नफ्स की बात आई है ना नफ्स मोनस कंसिडर किया जाता है अरबिक में हर जान आगे क्या भेज रही है अपने लिए ठीक है बात समझ में आती है इन द सेम आया अल्लाह सुबह रिपीट वत्तकुल्ला दोबारा जो है फरमा रहे हैं दो दफ़ा आया फिर कहते अल्लाह तला का तकवा अख्तियार करो ना फरमानी से बचो फिर आप जो है कुरान मजीद का एक और पेज उठाएंगे आप देखते हैं यादी अमन वकुल सदीदा ए ईमान वालो अल्लाह तला की न फरमानी से बचो और सीधी बात करो यू नो टाइम यू नो टाइम एंड अगेन यू गेट टू हेयर दैट तकवा हम लोग सुनते नहीं हैं हम लोग जो है वी आर नोट टेकिंग हीड फ्रॉम दिस फ्रॉम अल्लाह से तो एक तो ये है कि रमज़ान आया था हमें तकवा सिखाने के लिए और हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट आप इमेजिन करें कि बहुत गुनागार बंदा हो नमाज़े भी नहीं पढ़ता और लट्स से और भी जो है गलत कामों में इन्वॉल्व है लेकिन जब रमज़ान आ जाता है ना लट से बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी वो बाहर से आया है अपने रूम में आए रूम में अकेला है रूम में फ्रिज भी है और सामने ठंडे पानी का गिलास पड़ा हुआ है अब चाहे नफ्स तो यही कहेगा ना कि ये पानी का गिलास उठाओ और पी लो जी क्वेंश थर्स्ट अपनी जो है प्यास बुझा लो लेकिन वो क्या करता है वो पानी पीता नहीं है क्यों नहीं पीता नहीं। वो ये सोचते कि यार मैंने पानी अगर पी भी लिया तो अल्लाह ताला तो मुझे देख रहे हैं ना चाहे मेरे घर वालों को पता नहीं चला <coughs> मेरे दोस्तों को पता नहीं चला लेकिन मैं अपने आप को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकता सुबह अल्लाह थोड़ा सा यू नो इफ़ यू थिंक अ बिट डीपर आपको समझ में आ जाएगी कि रमज़ान में कैसे है कि आपका जो तकवा का जो कहते हैं ना वो वो मोड ऑन हो जाता है तो अल्लाह ये चाहते हैं ऐ मेरे बंदे जैसे तुझे मेरे बारे में ख्याल रहता है ना रोजे के दौरान कि मेरा रब मुझे ऑब्जर्व कर रहा है और तुझे तीस दिनों के लिए बड़ी रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है रोजे रखना आसान नहीं है रमदान जो लफ्ज़ है ना इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड रामादा जिसका मतलब होता है शदीद गर्मी इट्स नॉट दैट ईजी और अब तो अल्लाह वी आर फॉर्चुनेट इनफ हम लोग तो सुबहानला ए सीज़ में रहते हैं चाहे वो गाड़ियों में हैं ए में है घरों में हैं ए में हैं चाहे वो अपने ऑफिसिज़ में ए में हमें क्या रोज़ा जो है अफेक्ट करेगा उन लोगों से पूछें जो सहरा में हमारे सहाबा इक्राम रोज़ा रखा करते थे तो अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपको तीस दिन की जो ट्रेनिंग दी गई है ना इट इज़ एज ए फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ ए पुलिस ऑफिसर या कोई फायर फाइटर है जो आग बुझाने वाला है या कोई ऐसा आर्मी ऑफिसर है जो कि अभी जो है एंट्री लेवल पे है और उनकी ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग दी जा रही है अब पुलिस वाले को कोई डमी टारगेट्स दिखाए जाते हैं अच्छा ये मॉक ट्रेनिंग है तुमने जो है इन टारगेट्स को शूट करना है और फायर फाइटर को भी बताया जाता है कि अच्छा यार बिल्डिंग में आग लगी हुई इस बिल्डिंग की आग को बुझा दो और ट्रेनिंग करते करते उनको ये भी बताया जाता है कि ये तो अभी तुम डमी टारगेट्स को शूट कर रहे हो ना एक वक्त आएगा तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा तुम्हारे सामने तुम्हारा असली दुश्मन होगा या तो वो तुम्हें मारेगा या तुम उसको मारोगे तुम्हें उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है तो अल्लाह ताला ने हमारी ट्रेनिंग के लिए अब देखें सुबहान अल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट के हैं अल्लाह ताला के बारे में कि थोड़ी सी हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है ना हम अल्लाह ताला के बारे में डाउट्स करने लग जाते हैं कि मेरे ऊपर क्यों इतनी मुसीबतें आ रही हैं मेरे पड़ोस में आप मेरे पड़ोस वालों को देखो मेरे दोस्तों को देखो मेरे रिश्तेदारों को देखो वो तो नमाजें भी नहीं पढ़ते दीन पर चलते भी नहीं हैं बट लुक एट दम दे आर इन्जॉइंग देयर लाइव्स अल्लाह ताला ने आपके और मेरे बेनिफिट के लिए ताकि हमारी ट्रेनिंग में कोई मसला ना आए जो हमारा अजली दुश्मन है ना सबसे बड़ा दुश्मन उसको भी कैद कर लिया जाता है ऐ मेरे बंदे तू फिक्र मत कर तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है और आफ्टर थर्टी डेज़ हमें बताया जाता है कि आए मेरे बंदे नाउ इज़ द राइट टाइम टू कम यू नो टू कम इन द बैटल फील्ड और शैतान को भी खोल दिया जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमने अभी देखा है ना कि रमज़ान का महीना तो आता है तकवे के लिए और हम तकवा लेट्स से टेम्परेरीली अगर उसको अपना भी लेते हैं लेकिन ईद का पहला दिन होता है यानी रमज़ान की आखिरी रात होती है ईद का पहला दिन आता है और फजर की नमाज़ियों की आप हालत चेक कर लें वही बंदे जो रमज़ान में नमाज़े भी पढ़ा करते थे फजर की नमाज़ में नहीं आते और हमारे यहाँ माशा ऐसे भी मुसलमान हैं वो बर्डन समझते हैं रमज़ान को शुक्र है जहाँ छूटी तो आप मुझे बताएं क्या वाकई रमज़ान का पर्पज़ सब हुआ कि नहीं हुआ और हम सुबह अल्लाह सहाबा इक्राम की अगर बात की जाए ना सहाबा इक्राम प्रॉब्लम ये कि हम लोग ना अपनी बॉडीज़ पे बहुत फोकस करते हैं यार कि मेरे जो है ना मेरा वेट लूज़ ना हो जाए ज़रा सी खांसी आ जाए भागा भागा बंदा जाता है डॉक्टर के पास कहीं कोविड तो नहीं है कहीं कहीं और कोई मसला तो नहीं है सहाबा क्राम दे यूज़ टू फोकस ऑन देयर सोल्स अपनी रूह पे फोकस किया करते थे अमीर मुआविया के बारे में आता है उन्होंने ना आमिर बिन कैस हैं रज़ी सहाबी, वो कोफ़ा में थे बसरा में थे तो उनको ना काफ़ी दफ़ा इन्वाइट करते हैं इनविटेशन भेजते हैं कि आप हमारे पास शाम में आएँ हमें ख़िदमत का मौका दें आप हमारे मेहमान बने तो काफ़ी दफ़ा उन्होंने इंसस्ट किया तो पहले तो वह इनकार करते रहे कि नहीं यार मौके हेयर मैं सब कुछ ठीक है यहाँ पर तो जब ज़्यादा इंसट किया तो वो वहाँ से आ गए जब शाम में आए ना तो ख़िदमत के लिए हाज़िर हुए कहते हैं कि आप बताएँ आपकी कैसे हम खिदमत करें हाउ शुड वी सर्व यू बार बार जो है इंसिस्ट किया दोबारा पहले तो वह इनकार करते रहे और फिर बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं सुनिए ग़ज़रा गौर करें कहते हैं कि मुझे बसरा की गर्मी लौटा दो मुझे बसरा की गर्मी लौटा दो क्योंकि तुम्हारे शहर में रोज़ा बड़ा हल्का लगता है पता ही नहीं चलता अबू दरदा कहते हैं रज़ी फरमाते हैं यानी शदीद सख्त गर्मी के रोज़े रखा करो क़यामत की गर्मी से बचने के लिए और रात के अंधेरे में नमाज़ें पढ़ा करो कबर के अंधेरे से बचने के लिए हम लोग पता क्या सहाबा इक़राम का जो माइंड सेट था ना हम बिल्कुल उसके अपोज़िट चल रहे हैं बिल्कुल उसके अपोज़िट चल रहे हैं दो डायमेंशन इन शामने रखूंगा एक तो हमारे कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं माशाल्लाह जो लेट्स से उन्होंने रमजान में नमाज़ें भी पाँच वक्त की पढ़ी मुलैल की नमाज़ें भी पढ़ी और उसके साथ साथ रोज़े भी रखे और फिर कुछ अदीस आती हैं उनमें से एक हदीस आपके सामने रखूँगा जिसमें आता है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा। मनसाम और मदान ईमानन वह तसाबन गफ़िर मकदमा जम्बे कि जो शख्स रोज़े रखता है ना ईमान के साथ और एहत के साथ एहतसाब का मतलब यह है कि कन्फेस करते हुए कि मैं गुनागार हूँ ए अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दें और मेरी इस इबादत को कबूल फरमा दें अगर ये बंदा ये सोचते हुए रोज़े रखता है तो क्या होता है गुफ़िर मतदम भी उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है दिल तो करता है कि ये अहािस इस किस्म की ना हादीस सुनते हैं और अपने आप को खुश करते रहे और थपकी दें अपने आप को जो यार घर जाके सो जाओ हमारे यहाँ मुसलमान भी ऐसे हैं आज के मुसलमान ऐसे ही है तीस दिन रोज़े रखता है टिका के और कहते हैं कि देखो यार अबू साहब ने हदीस सुनाई थी ना कि रोज़े रखोगे सारे पुराने पुराने जो गुनाह ना वो माफ़ हो जाएंगे अब ग्यारह महीने जो मर्ज़ी याशी करते रहेंगे फिर रमज़ान आ जाएगा अपना क्या ठीक है फिर गुनाहों को माफ़ कर लेंगे अल्लाह ही ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये शैतान का बहुत बड़ा वेपन है हथियार है अली रजी अल्लाह क्या कहा करते थे जब रमजान की आखिरी रात हुआ करती थी ना वो आवाज लगाया करते थे बाजारों में कहते थे कि यानी कोई बंदा आए हमारे पास जिसकी इबादत कबूल कर ली गई हैं हम उसको खुशखबरी देते हैं और आए वो बंदा जिसने इबादत की ही नहीं हम उसकी ताजियत करते हैं क्या मतलब है इसका पता क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाहते थे मुसलमानों को कि चाहे बड़े से बड़ा आलिम हो बड़े से बड़ा स्कॉलर हो बड़े से बड़ा जो है तकवे वाला हो यानी बहुत अच्छा मुसलमान हो कोई गारंटी नहीं है कि आमाल कबूल हुए हैं कि नहीं वो ये बताना चाहते थे मुसलमानों को अगर किसी को पता ना कि गारंटीड मेरे जो अमाल हैं कबूल कर लिए गए हैं आए मैं उसको खुशखबरी देता हूँ वो बताना चाहते थे कि कुछ पता नहीं है एक सलफ़ कहते हैं कि ईद के मौके पर वो काफ़ी ना मायूस तो थो नहीं थोड़े से गम यानी गमनाक थे थोड़े से ना नाखुश थे तो लोगों ने कहा पूछा कि आप आज ईद का दिन है और आप अफसोस कर रहे हैं गम में हैं कहते हैं मैं तो एक अदना सा ग़ुलाम हूँ मैंने अपनी एफ़र्ट तो डाल दी है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे आका ने मेरी एफर्ट को कबूल किया है कि नहीं किया तो मैं खुशी मनाऊं तो कैसे मनाऊं और कई शलफ़ ईद के दिन जो है परेशान होते थे ये देखे कि जब लोग हंसी खुशी और डांस वगैरह में जब बिजी होते हैं ना तो वो ये सोचा करते थे यानी उनको मुखातिब करके कहा करते थे कि अगर तो तुम्हारी इबादत कबूल हो गई हैं यानी जो लोग ज़्यादा हंसा करते थे और बड़े वाह वाह की और जो गप्पे शपे लगाई तो कहा करते थे अगर तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी इबादत कबूल हो गई हैं तो शुक्र करने वालों का ये उनके शयान शान नहीं है वो ऐसा करें और अगर तुम लोगों की इबादत कबूल नहीं हुई तो अफसोस करने वाले ऐसा नहीं किया करते ईमान वाला जो होता है ना मुसलमान ही ऑलवेज स्टेज हम्बल कभी भी अपने आप को धोखे में मत डालें कि जब हम ने का कर रहे होते हैं ना आई एम स्पेशली एड्रेसिंग दोज पीपल हु थिंक देट यू नो दे है समथिंग गुड वो यानी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लाम और कुछ ना कुछ वह समझ सके नहीं यार मैंने दाढ़ी रख ली है अच्छा मेरे अगर जो है ना फ्रेंड सर्कल में देखा जाए वो तो देखो यार वो तो ये जो है दे आर इन टू हराम रिलेशनशिप्स और वो जो है गाने भी सुनते हैं और ये वो करते हैं चलो यार मैं उनसे बेहतर हूं कहने का मकसद ये है कि जो भी आप नेक अमाल कर रहे हैं ना वल्ला ही आई एम टेलिंग यू यू आर डूइंग इट फॉर योर बेनिफिट ये चीज़ हमें हमारे रब ने बार बार बताई है बार बार सिखाई है ए मेरे बंदे यू डोंट हैव टू बी एरोगेंट तू अगर नेक अमाल कर रहा है ना यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ तुम मेरा भला नहीं कर रहे मैं तुम्हारा भला नहीं कर रहा तो कहां की खुशी सहाबाक के बारे में अगर हम पढ़े ना यकीन करें ये वो लोग हैं इनको यानी इनकी ज़िंदगियों में जन्नत की टिकट मिल गई यानी जन्नत की टिकट मिल चुकी थी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अबू बकर का मामला देखे रजिया हनजल रज़ी लन का मामला देखें नबी करीमल यानी फरमाते हैं कि मुनाफी की निशानी बताई जा रही थी तो कहते हैं मुनाफी का जो दिल होता है ना एक लम्हे में ऐसा होता है और एक लम्हे में चेंज हो जाता है तो हनज़ला रज़ी ही थॉट कि जब हम नबी करीमल वसल्लम के पास बैठे होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल यू नो स्काई हाई हम तो ऐसे समझ होते हैं कि हम जन्नत को देख रहे हैं जन्नम को देख रहे हैं इतना जो है वी आर इन्जॉइंगल्व लेकिन जैसे ही उस मजलिस से उठते हैं अपने घर बार में आते हैं अपने जो है फैमिली मेम्बर्स के पास बैठते हैं तो हमारा दिल ऐसा महसूस होता है कि दुनिया के साथ जो है अटैच हो चुका है यही तो मुनाफिकत है तो बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं ना फा हंजला ना फ़क़ा हंजला हन मुनाफिक हो गया हंजला मुनाफिक हो गया गुजरते गुजरते वो बकर उनकी आवाज़ सुनते हैं कहते हैं हंजला वाट्स रॉन्ग तुम्हें क्या हो गया तो कहते हैं अपना माजरा सुनाते हैं कि मेरे साथ तो यही ये ये मामला होता है दिल मेरा बदल जाता है अबू बकर वो हस्ती हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उनको बिशारत दी है कि जन्नत की आठ दरवाजे हैं और आठों के आठ दरवाजे अबू बकर को बुला रहे होंगे कि हमारे यानी एंटर थ्रू अस उनका आप लेवल चेक करें ईमान का अबू बकर के कहते हैं यार ये तो मेरे साथ भी होता है तो वो भी डाउट में पड़ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है और फिर जाके जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके क्लैरिफाई करते हैं अपना डाउट क्लियर करते हैं और फिर वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं ऐसी बात नहीं है ये तो इंसान का दिल है ही ऐसा अगर तुम्हारी वही कैफियत रहे जो तुम्हारी मेरे साथ होती है तो यानी बीत नहीं कि फ़रिश्ते तुम्हारे पास आ तुमसे मुसाफ़ा करें तुमसे सलाम करें तो दिस इज़ नॉर्मल दिस यानी इसमें कोई यानी कोई यानी अनहोनी सी बात नहीं है तो कहने का मकसद ये है कि सहाबा इक्राम यूज़ टू तो थिंक लाइक दैट और सहाबा इक्राम एक, एक सलफ़ के बारे में आता है आ, खावन बीवी थे असलाफ में थे उनमें से आ, हबीब नाम है गालिबा हबीब रही बहुत बड़े आबीद थे उनकी वाइफ भी बहुत बड़ी आबिद और जाहिद थे तो उनकी वाइफ कहती हैं एक बार दोनों बैठे होते हैं और कहते हैं कि आ, रातें गुजर चुकी हैं इबादत की यानी कहना वो ये चाह रही थी कि वी हैव मिस्ड इट सफर बहुत तवील है और हमारे पास ज्यादा राह बहुत कम है आओ उठो हम नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हमारे बड़ों को पता था इसलाफ को पता था कि जो आखरत का सफ़र है ना इतना लंबा सफ़र और जो वो ज़िंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसके लिए जो ज़्यादा राह है ना वो इकट्ठा इस दुनिया में किया जाता है तो दे यूज़ टू वर्क लाइक दैट दे यूज टू थिंक लाइक दैट और बात ये आती है कि तकवा बार बार जो यानी आप मुझसे भी सुन रहे हैं आप बार बार सुनते हैं तकवा तकवे का बेनिफिट क्या है हम इंसान है ना इंसान छोटे दिल का है ठीक है वो देख रहा होता है कि अच्छा यार अगर ये मैं काम करता हूं वॉट इज रिटर्न आम गोइंग टू गेट मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा वाह द मोर यू लर्न अबाउट तकवा आपको पता चलता है कि ये तकवे का मुझे ही बेनिफिट होता है कोई बंदा मुझे ये कह सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी को फैमिली प्रॉब्लम है यानी यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स तो लिस्ट खत्म नहीं होती क्योंकि आप देखें ना इंसान है ना इंसान बीमार भी होता है कोई ऐसा इंसान है नहीं जो कहे कि आई एम इम्यून टू एवरीथिंग नहीं जी मैं बीमार नहीं होता फैमिली मेम्बर्स हैं फैमिली मेम्बर्स वाले वो भी बीमार होते हैं वी आर इन द प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम का हल हमें बताया जाता है मैं अल्लाह फरमाते हैं वमन यद तजा मखरजा ये आयत जो है ना ये आप अपने पल्ले बांध लें और ये आयत ऐसा नहीं कि कोई स्कॉलर आपको बता रहा है या कोई आपको रास्ते में चलते हुए कोई बंदा बता रहा है ये वो हस्ती आयत आप यानी ये उसके अल्फाज हैं ताला की बात हो रही है अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं एक तो हमें यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की बात है तो हंड्रेड परसेंट सच होगी हंड्रेड परसेंट भी यानी छोटा लफ्ज है समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी किस्म का शक नहीं होगा इस बात पर अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे अगर तुम तू तु मेरी नाफ़रमानी से बच बच कर अपनी जिंदगी गुजारेगा ना तो मैं तेरे लिए वे आउट जरूर निकाल दूंगा और सलफ़ कहते हैं इसमें इबन अब्बास का मैं आपको कोट सुनाता हूँ वो कहते हैं इसका मतलब ये है यूनजी ही मिनकुल्ली कर्ब दुनिया व आखरा किरब कहते हैं तकलीफ को मुसीबत को परेशानी को डिप्रेशन को एंगजाइटी को जो भी बीमारी है अल्लाह उसको हर बीमारी से हर मुश्किल से निकाल देंगे दुनिया में भी और आख़रत में भी और इब्ने इब्ने मसूद कहते हैं कि ये आयत क्या आयत है इन अकबर फिल फ़िलक़ुर फरज़न अल्ला अकबर इंसान के लिए जो वे आउट है ना क़ुरान मजीद की जितनी भी आयत ले लें सबसे बड़ी आयत सबसे वाज आयत जो इंसान को यह वाज तौर पर बताती है कि तेरे लिए वे आउट है तेरे लिए आसानी है वो ये आयत है वहीं तकिल्ला जु मखराजा खुदा की कसम इस्लाम तकवा है सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें दुनिया में भी और आख़रत में भी आप मुझे बताएं इससे बढ़कर क्या चाहिए इंसान को कि दुनिया में भी सुकून में आ जाए और आखरत में भी सुकून में आ जाए और आखरत की अगर बात की जाए क्या वो यानी वट इन्वायरमेंट वुड बी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फवा रबी का लनक ना हम अल्लाह ताला कसम उठाते हैं फवा रब का तुम्हारे रब की कसम लनक ना हम लाजिन इनको इकट्ठा करेंगे स्कॉलर्स यहां पे बताते हैं कसम उठाने वाले कौन है अल्लाह सुबहाना अल्लाह ताला वैसे ही अगर कोई बात कह देंगे ना कोई स्टेटमेंट उनसे ज्यादा ऑथेंटिक बात किसी की नहीं है हमारे समझने के लिए इट्स मोर देन इनफ लेकिन अल्लाह ताला ही ती फर्दर एंड ही टू कैंड ऑस उन्होंने कसम उठाई है फावाब भी रब भी का तुम्हारे रब की कसम कुरान मजीद किन किन पर नाजिल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो यहां पे तुम्हारे रब की कसम किन की, की कसम उठाई जा रही है क़रीम अल्लाह ताला ने नबी करीम वसल्लम की कसम उठाई है कौन कसम उठा रहा है और किन की कसम उठाई जा रही है अल्लाह अकबर नबी करीम वसल्लम की और आगे जो बात होगी क्या वो इंपॉर्टेंट होगी या ऐसी कोई बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी अल्लाह तरमाते हैं स्पीकिंग हम लाजिमन इन सबको इकट्ठा करेंगे ए मेरे बंदो तुम सबको इकट्ठा किया जाएगा और क्या होगा व इम व इम मिन कुम इल्ला वारिदुहा जहन्नम सामने होगी ब्रिज होगा जिसे पुल सिरात आप कहते हैं ठीक है शार्पर देन द दे रेजर ब्लेड एंड थिनर देन द दे हेयर रेजर ब्लेड से भी ज्यादा शार्प होगा और आपके जो एक बाल है ना उससे भी ज्यादा जो है वो थिन हो थिनर होगा व इम इल्ला वारिदुहा तुम में से कोई शख्स नहीं है रफ ट्रांसलेशन बता रहा हूँ आपको कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि उस पुल से ना गुजरे

उस उसके बाद हम निजात दे देंगे बचा लेंगे किन को जो तकवे वाले होंगे फम मन तक फीह जिसिया और ालिमों को घुटनों के बल उसमें फेंक देंगे और एक आपको एक वाक सुनाता بن अब्दुल्ला बिन रवाहा रब ही इज लाइंग ऑन द लैब्स ऑफ इज वाइफ ठीक है उनकी लैब्स में बैठे हैं तो अगर यू नो इफ वी पिक्चर दिस तो यू नो देर इन गुड मूड ठीक है ही यू नो ही इज़ विद हिज वाइफ और यानी इससे पता ही चलता है कि अभी वो अकेले हैं देर इन गुड मूड ऑल ऑफ अ सडन नरेशन बताती है फबा का अब्दुल्ला अब्दुल्ला उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं ये उनकी वाइफ देखती हैं फबकत उनकी वाइफ भी जो है रोने लग जाती हैं वन अब्दुल्ला सीज इज़ वाइफ तो पूछते हैं माँ की की तुम क्यों रो रही हो बड़ा ज़बरदस्त जवाब देती हैं कहती हैं रा तू कतब की फा कैथ अकबर। मैंने आपको देखा कि आपके आंसू से यानी आपकी आंखों से आंसू जा रही हैं तो मैं भी रो पड़ी दिस इज़ वॉट यू कॉल रियल लव आज जो है ना हम बड़े कहते हैं कि हम लोग आज जो है ना हम अगर किसी पे फिदा भी होते हैं ना उसके चेहरे पे होते हैं उसकी फिजिकल अपेयरेंस पे हो रहे होते हैं और पता नहीं वी हैव यू नो वी हैव क्रिएटेड आर वर्ल्ड हम जो है पता नहीं क्या कुछ समझ बैठते हैं और फिर होता है जैसे ही शादी हो जाए ना कुछ ही महीनों के बाद जैसे वो बैलून नहीं होता हवा भर दो और फिर उसको जब छोड़ते हैं सारी हवा निकल जाती है और यहाँ पे देखें सुबहान अल्लाव रो रहा है चाहे वो रिस्पेक्ट कह लें या यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव वो भी यू नो ही यू नो शी स्टार्टेड क्राइंग तो फिर क्या जबरदस्त वो जवाब देते हैं कहते हैं कॉल इन्नी दकर तो हिल आया मुझे ये आयत याद आ गई व इमिन कुम अदा कानी का हकम मकदिया तुम में से कोई शख्स नहीं है मगर वो उस पुल पे लाजिम वारिद किया जाएगा उससे गुजरना होगा उस शख्स को और ये तुम्हारे लब रब पे लाजिम है और फिर क्या कहते हैं फला अजरी अनाज मिन है अमला, मैं नहीं जानता कि मैं उससे बच पाऊंगा कि भी नहीं मैं उससे निकल सकूंगा कि नहीं सुबह इमेजिन करें ये साहबा इक्राम थे दे डिड एवरीथिंग बट दे था देर हेयर और हम कुछ भी नहीं करते और हम समझते नहीं यार हमें जन्नत जो है बस हमें रिजर्व हुई हुई है जन्नत हमारे लिए और यहां से आप इमेजिन तो करें एग्जाम्पल तो ठीक नहीं है वैसे समझाने के लिए आपके सामने रखूंगा वैसे तो अगर कोई बंदा शादी कौन शादी शुद्दा और हाथ खड़ा करे माशाल्लाह बहुत मुश्किल से हाथ खड़े हो रहे हैं यार और राइट अच्छा ने अच्छा आई फील सॉरी फॉर यू गाइस अल्लाह तानी होता ही है इतनी आमीन काश बख्शिश के लिए कहीं होना शायद बख्श है सारे जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन सहाबा इक्राम का यहां से आपको कनेक्शन पता चलता है कुरान के साथ उनका कनेक्शन क्या था वल्ला ही मैं आपको अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस ठीक है अब लेट्स कोई बंदा हराम रिलेशन में है कोई डेट में गया डेट मारते मारते बंदा रोना शुरू कर दे इम्पॉसिबल <laughs> ठीक <Impossible. laughs> है मुझे आयत याद आ गई है <laughs> तो दिस शोज वेयर आर वी स्टैंडिंग सहाबा इकराम का एक कनेक्शन था कुरान मजीद के साथ और आयत नाजिल होती है मैं आपको एक दो और इंशाल्लाह वाक्य सुनाऊंगा बस छोटे से वाक्य हैं इंशाल्लाह देन विल वाइंड इट अप आयत नाजिल होती हैं या युहल्लदीन आमनु इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाब वल अज़लामु रिज्सु मिन अमल शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून तुफ्लिहून या तुफ्लिहून सहाबा क़राम को पता था कि जब कहा जाए ना या यूहदीन आमनु, अल्लाह सुबहान तला इज़ एड्रेसिंग अस तो वो सारे काम छोड़ कर ला तला की बात को सुना करते थे आयत बताती है ए ईमान वालों शराब को ख़मर अल्कोहल का कहते हैं एनी थिंग विच यू नो विच इंटॉक्सिकेट्स शराब को छोड़ दो नशे वाली चीज़ों को छोड़ दो और ये आयत जब नाजिल हो रही थी ना सिनेरियो में आपको बताता हूँ मदीना ये मदीना में नाजल हुई थी साहबा इकर बैठे हैं ग्रुप्स में बैठे हैं ठीक है अपनी मजलिसों में बैठे हैं एक साहबी हैं उन्होंने मत पकड़ा हुआ ही इज सर्विंग द अल्कोहल दूसरे साहबी ने ग्लास ऐसे पकड़ा हुआ कि वो उनको डाल के दे रहे हैं एक साहबी हैं वो पीने यानी पी रहे हैं एक साहबी उन्होंने पी के बोलते हैं चलिए दूसरा ग्लास भी दे दो दिस इज अनेरी लिटरली आयात नाजिल हो रही हैं और पहले हुआ एक क्या करता था कि आयत नाजिल हो गई हैं तो एक मुनादी करने वाला जो है ना गली में ऊंची-ऊंची आवाज़ लगा के यानी कहा करता था कि ये आयत नाजिल हुई है और वो पढ़ा करता था आयात यादी साहब साहबा इक्राम के कानों में ये आयत पड़ती है आपको पता है वट इज़ द नेक्स्ट ऑफ दुक उन्होंने क्या किया जो मक से शराब डाल रहा था ना उसी वक्त ही उन्होंने उस मग को जो है ना फेंका पीछे केटल को फेंका और जिनके जिनके हाथ में गलास यानी ग्लास का जो फिल हो रहा था उसको भी उठा के फेंक दिया और जिन सहाबी यानी जो साहबी पी रहे थे ना उसी वक्त उन्होंने जो है ना कुली कर दी और जिन सहाबियों ने पी ली थी ना शराब उन्होंने उंगलियां डालकर वॉमिटिंग की और सारी शराब निकाल दी और रेशन्स बताती हैं मदीना की गलियाँ जो है ना शराब से फुल जैसे नहरें बह रही हैं सहाबा क़राम ने लेम एक्सक्यूज नहीं दिए कि नहीं सिगरेट के बग़ैर मैं कैसे जो है ज़िंदा रहूँगा एक एक महीने के बाद इन रमज़ान के बाद छोड़ दूँगा मैं हाँ यार रमज़ान के बाद मैं ये छोड़ दूंगा हमारी इकॉनमी कैसे चलेगी अगर शराब बंद होगी हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी चले अब एक साल के बाद दोबारा हम बैठेंगे ना मीटिंग करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है नहीं हुक्म नाजिल हुआ समयना वा यही आपसे और मुझसे डिमांड की गई है तुम्हारा है मेरे बंदे तुम्हारा काम ये है समयना वना ये तो मर्दों का जो है उनका अमल था ना आयत नाजिल होती है सोरे नूर में उसका मैं एक हिस्सा बस आपको बताता हूँ आयत में आता है वल याद रबना बिहम रहना अला जू बिहन्ना मोमिन औरतों के बारे में बताया गया है कि मोमिन औरतों को चाहिए कि वो अपने ऊपर ओढ़नियाँ डाल दें अपने आप को कवर कर लें और नरेशन से पता चलता है कि जब ये आयत नाजिल हो रही थी ना इट वॉज़ इवनिंग यानी शाम का वक्त था तो जैसी आयात नाजिल हुई मुनादी करने वाले ने मुनादी की नरेशन बताती हैं आयशा बताती हैं जो मुसलमान खवातीन थी ना एक की बात नहीं हो रही दस की बात नहीं हो रही जितनी भी मुसलमान खवातीन थी उन्होंने अपने एडिशनल जो कपड़े थे ना उनको फाड़ के दे टुक ऑन दम और जो फिर अगली सुबह की जो नमाज थी ना फ़जर की नरेशंस बताती हैं जब ये ख़ातिन नमाज के लिए आ रही थी ना इट इज़ एज एफ के कोई बंदे आ रहे हैं और उनके यानी सरों पे कवे बैठे हैं यानी एक औरत नहीं दो औरतें नहीं तमाम की तमाम औरतें हुक्म सुना समा व अपाना ये नहीं कहा कि नहीं मेरे दोस्तें क्या कहेंगी जमाना क्या कहेगा रिश्तेदार क्या कहेंगे नहीं जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए ना हमारे नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो फिर अपना लॉजिक इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज़ तो दो चीज़ें हैं देखें यहाँ आज के लेसन में दो चीज़ें हम लेके जाएंगे। एक तो यह है कि रमज़ान का जो मकसद था ना वो तकवा लेने का था कि हम तकवा करें अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें अल्लाह ताला के अजाब से अपने आप को बचाएं और वल्ला इसमें आपका और मेरा फायदा है ये खुदा के लिए इस बात को समझ लें दुनिया में भी आपको इसके फ्रूट्स मिलेंगे माइक्रो लेवल पे भी इंडिविजुअल लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी अल्लाह फरमाते हैं आई नीड योर अटेंशन आज हम रो रहे हैं पानी का बड़ा मसला है बारिशें नहीं हो रही गर्मी ज्यादा और बड़े मसाइल हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है देखो हमारा मुल्क करेंसी कितनी डाउन जा रही है पेट्रोल का लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन अल्लाह तला फरमाते हैं अगर तो बस्ती वाले ईमान लेके आते और तकवा करते हम लाजिमन खोल देते क्या बरकत बार आसमान भी बरकतें नाजिल करता बारिशें होती और समाय लफ अर्द और जमीन भी फिर हरियाली उगाती लेकिन किया क्या वाला किन करबू लेकिन इन लोगों ने इन्हें तकजीब की इनकार किया मेरी आयात का फ़ाख़द ना हूँ बिमा कानो यकसीबून तो हमने इनको फिर पकड़ लिया जो ये करतूती किया करते थे तो यहाँ पे गारंटी अल्लाह सुबहाना वाले दे रहे हैं मेरे बंदो ईमान वाले बन जाओ वाले बन जाओ फिर देखो कितनी बरकतें नाजल होती हैं तुम्हारे ऊपर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी लेकिन यू हैव टू तो टेक द फर्स्ट स्टेप ऐसे नहीं हो सकता कि हम शैतान के रास्ते भी चल रहे हो और एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि हमारे सारे मामला ठीक चले नहीं बन का ये भी पले बांध ले आप जो मेरे जिक्र से एराज करेगा ना उसकी मीशत को उसकी जिंदगी को मैं तंग कर दूंगा चाहे उसके पास जितने मर्जी पैसे हों फिर भी वो जो है ना मांगते ही दूसरे को यानी दूसरों की तरफ भी देखता रहेगा अल्लाह हमें समझने की तोफ़ी फरमा बार्मिक वरमकू